प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झूठे बयानों से जनता को गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। अपने आप को चौकीदार बताने वाले मोदी जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं, आइए देखते हैं। एक आदमी लाखों का सूट बूट पहन कर कहता है कि मैं गरीब हूँ, झोला लेकर चलता हूँ, और हम उसे गरीब मान लेते हैं। सीबीआई, एनआईए जैसी एजेंसियां जिस आदमी के हाथों की कठपुतली है, वह आदमी कह रहा है कि मुझे सताया जा रहा है और हम मान लेते हैं। जो संसद में पूर्ण बहुमत में है, 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, वह कहता है मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है और हम मान लेते हैं। जो जेल में रह चुके भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट देता है, फिर कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ और हम फिर भी मान लेते हैं। जिसके शासन में सबसे ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, वह कहता है दुश्मन हमसे कांप रहा है और हम मान लेते हैं। जिसके समय में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और वह कहता है कि हमने किसानों की आय दुगना कर दी है और हम मान लेते हैं। जिसके समय में पढ़े लिखे नौजवानों को पकोड़ा तलने के लिए कहा जाता है और हम उसे रोजगार मान लेते हैं। जिसके राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं और वह कहता है कि हम बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और हम मान लेते हैं। जो सुंदर भविष्य का सपना दिखाकर सत्ता में आया हो और 400 साल पहले के भूतकाल में हमें घुमा रहा हो, फिर भी हम खुश हैं। अपनी इन बातों से चौकीदार देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। चौकीदार के झांसे में ना आए, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके मतदान करें।